खबर मकराना से। अजमेर धाम चीरवादा मंदिर परिसर सीकर में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्थान जयपुर के तत्वाधान में देवउठनी 11 को स्वर्णकार समाज का प्रथम सामूहिक विवाह समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मायच, महामंत्री दूली चंद्र मौसुणा थे। अध्यक्षता स्वर्णकार सामाजिक संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद भावा ने की। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार संस्थान नागौर के संस्थापक संरक्षक मदन लाल राणा, जीतमल खजवानिया बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने महाराजा अजमेर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विवाह सम्मेलन आयोजक मंडल द्वारा समाज के दानदाता भामाशाहो चहुमुखी प्रतिभाओं का स्वागत सम्मान कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी सालिग्राम विवाह रस्म के साथ 19 जोड़े अग्नि की साक्षी में दंपत्य सूत्र में बंधे। तुलसी विवाह की सबसे बड़ी घोषणा भामाशाह रामकिशोर भामा जसनगर निवासी मेड़ता नागौर की रही। मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाए ताकि स्वर्णकार बंधुओं की सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा प्रदेश विदेश में कायम हो सके। सामूहिक विवाह सम्मेलन आज की जरूरत बनते जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों में समाज में ऊंच नीच का फर्क खत्म होता है और फिजूल खर्ची भी रुकेगी। ऐसे आयोजनों से समाज का संगठित और विकसित होगा, सामाजिक कुरीतियां मिटेगी। मदन लाल रोड़ा से संबोधित होते हुए कहा, सामूहिक विवाह समाज के भागीरथ बंधुओं द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच व अंगद कदम है। सामूहिक विवाह एक आयोजन मात्र नहीं है, परंतु इसके अभाव प्रभाव समाज हित में लाभ बड़े दुर्गामी है। प्रशासनीय बात यह है कि ऐसे समारोह में बड़ी संख्या में समाज बंधु एकत्रित होते हैं। समाज के वर्ग बड़े वर्ग का दायित्व है कि वह भी ऐसे आयोजनों का बड़ा हिस्सा बने। सरकारी गैर सरकारी विभागों में कार्यरत बड़े अधिकारी राजनेता उद्योगपति समाज सेवी की उपस्थिति से समाज गौरवान्वित होता है, लेकिन इससे युवा पीढ़ी प्रेरित होगी, समाज विकास की योजनाएं सार्थक रूप से ले सकेगी। अतिथियों ने मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्थान के संरक्षक व अध्यक्ष कैलाश चंद्र भावा जसनगर मेड़ता एवं उनकी टीम की जमकर सराहना की और कहा, निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अनूठी सार्थक पहल समाज हित और विकास में एक इतिहास के रूप में कायम रहेगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में लाइटिंग, नाश्ता, भोजन, मेडिकल व्यवस्था, मेहमानों के सम्मेलन तक स्थल तक पहुंचाने व वापस छोड़ने के लिए वाहन, आवास आदि की श्रेष्ठ व्यवस्था आयोजक मंडल द्वारा की गई। समाज बंधु के लिए रात्रि विश्राम के लिए माता जिन माता शहर में विशेष सुविधाओं से युक्त धर्मशालाओं में कमरे की व्यवस्था की, जिससे बाहर से समाज बंधुओं को बड़ी राहत मिली। संस्थान संरक्षक कैलाश चंद भावा जसनगर सावरमल डार झुंझुनू ने पूरे मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारियों व गणमान्य समाज बंधुओं मामाशाहों का विवाह सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आभार जताया। इस मौके पर निशुल्क विवाह सम्मेलन में समाज सेवी जीतमल खजवानिया, महालक्ष्मी मार्बल मकराना में 11,000 रूपए, राम अवतार सूरज नारायण खलबलिया पीह ने 11,000 रूपए आर्थिक सहयोग राशि भेंट की। वहीं इस मौके पर जीतमल खजवानिया बरावर ने स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मायच, महामंत्री दूली चंद मौसुण को अजमेर धाम पर शिष्टाचार भेंट कर पुष्कर भवन निर्माण हेतु महाराजा अजमेर चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी की हैसियत से 1,00,000 रुपए का चेक भेंट किया। मैं समस्त संस्थान के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और जो भी लोग पहुंचे हैं बाहर से, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, महामंत्री दूली चंद जी मौसुण थे कृपाल, और मैं मुझे भी इस मौके पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समस्त दानवीरों का, समस्त पदाधिकारियों का सम्मान और अभिनंदन करता हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में राजस्थान के अंदर बहुत लोग समाज के आरएसएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आरजेएस हैं और राजनेता भी हैं और समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी हैं। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि
जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वो ना तो सरकारी अधिकारी पहुंचे, ना काफी पदाधिकारी पहुंचे, ना राजनेता पहुंचे। कल कुछ समय बाद इनको सबको रिटायर्ड होना है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, आखिर अपने समाज के जाजन पे बैठना पड़ेगा। अगर वो समाज को कुछ नहीं समझते हैं तो समाज भी उन्हें कुछ नहीं समझता है। ये मेरा विशेष निवेदन है कि आने वाले भविष्य में जहां कहीं भी कभी भी इस तरह के असामूहिक प्रोग्राम या अन्य अच्छे प्रोग्राम कोई समाज की तरफ से होता हो और उनको इन्वाइट करता हो तो आयोजकों का हौसला बढ़ाने के लिए आपको समय पर बधा कर उन्हें उत्साहित